भिमंडी में दिल दहला देने वाला हादसा। बारह लोग मौत के काल में समा गए। कब तक होती रहेगी इसी तरह से मौतें? आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन? रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ग्राउंड प्लस 3 मंजिला ये इमारत, लगभग 20 परिवार इस इमारत में रहते थे, अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें देखें, कई लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना का जायजा लेने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत भी पहुंचे थे। किस तरह से मलबे से निकालकर अस्पताल घायलों को भेजा जा रहा है, मगर सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर इन 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? 40 साल पुरानी इमारत थी और 102 इमारतों को मनपा ने नोटिस देकर खाली करवा दिया था, मगर जिलानी इमारत लगभग जिसमें 20 परिवार रहते थे, इन्हें भी नोटिस दिया गया था, मगर इमारत खाली नहीं की गई। दरअसल मनपा के तरफ से धोखादायक इमारत को नोटिस तो दी जाती है, मगर इमारत में रहने वालों के लिए व्यवस्था, उन्हें घर नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से इमारत खाली नहीं करते हैं कि वो आखिर रहेंगे कहाँ। ऐसे मौके पर ये लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मर जाएंगे मगर इसी इमारत में रहेंगे। राज्य सरकार को भी इस पर विचार करने की बेहद ज़रूरत है। इसी तरह की बात मुंब्रा में भी कई जगह सामने आई है। मनपा अधिकारी धोखादायक इमारत को खाली कराने की नोटिस देते हैं, मगर जब खाली कराने पहुंचती हैं मनपा तो लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर वो जाएंगे कहाँ। इसी वजह से लोग इमारत खाली नहीं करते हैं और आज भिमंडी में ये हादसा सामने आया, जिसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी शामिल हैं। वहीं भिमंडी पुलिस उपायुक्त राजू कुमार शिंदे ने बताया है कि इमारत गिरने के बाद निकाय अधिकारियों की शिकायत पर इमारत के मालिक सैयद अहमद जिलानी पर 338 304 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दुर्दैवी बाब है, नागरिक साखर झोपेत असतानाच ही बिल्डिंग कोसळली आहे। आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचं दिसतंय, 16 लोकांना त्याच्यातनं बाहेर काढण्यात आलं जिवंत। एक ॲक्सेस सापडला आहे ज्याच्यातनं असे मजले खाली गेले, त्यामुळे जर त्या ॲक्सेसने खाली जाऊन दरवाज्यातनं वगैरे कोणाला वाचवता येईल ती प्रयत्न NDRFची टीम करते। आयुक्तांशी माझं बोलणं झालं, टोटल 107 बिल्डिंग ही अति धोकादायक C1 C2 कॅटेगरीमध्ये होत्या, 102 बिल्डिंग ही खाली करण्यात आलेल्या आहेत। ज्या 5 राहिल्या होत्या त्याच्यातली ही एक, बरोबर आहे। स्टेप तेच, पण ही अति धोकादायकमध्ये गेलेली होती। माझ्या नागरिकांना विनंती असेल की ही अति धोकादायक किंवा आपल्या जीवापेक्षा काहीच मोठं नाही, ओढून ताणून अशा बिल्डिंगमध्ये राहणं हे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखं आहे। आणि मला वाटतं की मी माझं एकनाथ शिंदेंशी साहेबांशी बोलणं झालेलं आहे, ह्याच्यापुढे धोकादायक अति धोकादायक लोकमध्ये राहणाऱ्या लोकांना हाताला धरून बाहेर काढावं लागेल, नाहीतर अशा दुर्घटना टाळता येणार। सर, भिवंडीचा जर इतिहास बघितला तर प्रत्येक दुर्घटनेनंतर भिवंडीच्या क्लस्टरबाबत चर्चा होते, किंवा एकूणच भिवंडीतील ज्या धोकादायक इमारती आहेत येथील लोकांना जे आपण दुसरे निर्वासन त्यांना पुनर्वसन करण्यासाठी कुठली व्यवस्था नसल्यामुळे ही लोक जी आहेत मजूर लोक आहेत ती बाहेर निघते घराच्या बाहेर, आणि अशा परिस्थिती दुर्घटनेला बळी होतात। मला वाटतं की क्लस्टरचा योजना इथे राबवण्याची गरज आहे, त्यासाठी काय पावलं उचलली पाहिजेत याबाबत एकनाथ शिंदे साहेबांचं माझं सकाळी बोलणं झालेलं आहे। कमिशनरशीही एकनाथ शिंदे साहेबांनी मी स्वतः बोललेलो आहे, क्लस्टर योजना आणावी लागेल, पण या सगळ्यासाठी नागरिकांचा सहभाग खूप मोठा, नागरिकांची मानसिकता खूप मोठी असते,
आणि शेवटी कुठलीही वास्तू बांधत असताना त्याची फिजिबिलिटी तपासणं खूप गरजेचं असतं. सध्याच्या आजच्या दिवशी तर पहिल्यांदा जीव वाचवणं आणि ह्या संकटातनं बाहेर आणणं हेच महत्त्वाचं आहे.